और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई AIMIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आरोपी उमर खालिद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई है। हिंसा के बाद खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 10 जून को हुई थी प्रयागराज हिंसा, जहां पर AIMIM के जिलाध्यक्ष शाह आलम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, पूरी जानकारी दें। देखिए, प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें शाह आलम और उमर खालिद के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी। पुलिस का कहना है कि इन दोनों लोगों ने सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी और उस भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम था और वारंट जारी होने के बावजूद ना तो इनकी गिरफ्तारी हो पाई और ना ही इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद इन दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन अग्रिम जमानत की अर्जी पर कई बार सुनवाई टली। आज इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन इन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने इनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी और जो सरकारी पक्ष था उसने जमानत अर्जी का विरोध किया और उसी की दलील की वजह से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की गई। तो अब इन आरोपियों के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये कोर्ट में सरेंडर करते हैं क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो हाईकोर्ट जाकर वहाँ अपील करते हैं। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई बता दें, 10 जून को जहां प्रयागराज में हिंसा हुई थी, शाह आलम की ओर से एक जमानत याचिका लगाई गई थी और उस जमानत अर्जी को कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।